गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सेल। जब हम टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो जो सेल होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक प्रोक्रियोटिक सेल और दूसरी यूकेरियोटिक सेल। जो प्रोक्रियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव टाइप्स की सेल होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड एडवांस्ड टाइप की सेल होती हैं। अगर हम इन दोनों सेल के बीच में कंपैरिजन करें, यानी अगर हम डिफरेंसेस देखें, तो जो प्रोक्रियोटिक सेल होती है, मोस्ट ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल आप जब देखेंगे, मोस्टली प्रोक्रियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर। ज़्यादातर जो प्रोक्रियोटिक सेल होंगी वो कैसी होंगी, यूनिसेल यानी एक सेल की बनी होती है। वहीं पर अगर हम यूकेरियोटिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स आर मल्टीसेलुलर। मतलब ज़्यादातर जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टीसेलुलर, यानी वो एक से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि जो न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोटिक सेल का, जो न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोटिक सेल्स का, वो बहुत ही पुअरली डेवलप होता है, यानी द न्यूक्लियस ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल आर पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंट की वजह से जो न्यूक्लियस होता है प्रोक्रियोटिक सेल का वो वेल डेवलप नहीं होता, यानी बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। वहीं अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, वेल डेवलप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट जो है कि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस एक तरह का मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब जब हम प्रोक्रियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोक्रियोटिक सेल में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होने की बात ही नहीं होती कुछ, तो इसलिए तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोक्रियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। वहीं अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गॉल्गी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब के सब एब्सेंट होते हैं प्रोक्रियोटिक सेल में। यानी प्रोक्रियोटिक सेल में ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गॉल्गी बॉडी हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वैक्यूल हो, ये सारे के सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब के सब यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब जो एक और सेल ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, यानी उसमें किसी भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती उस सेल ऑर्गेनेल्स पे, उसका नाम है राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन दोनों में ही एक डिफरेंस है। अगर हम प्रोक्रियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर 70S टाइप, मतलब 70S टाइप का राइबोसोम प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो आपके यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है, यानी जो यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, प्रोक्रियोटिक सेल का कौन सा एग्जांपल है, यूकेरियोटिक सेल का कौन सा एग्जांपल है, तो दोनों के एग्जांपल के जब अगर हम देखेंगे तो प्रोक्रियोटिक सेल में आपके